नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करेंगे काल के कपाल पर मनचाही इबारत लिखने और मिटाने का संकल्प लेकर चलने वाले ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने शायद ही कभी पराजय की कल्पना की हो तथा नवाजे गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान 2022 से। मैं हूं परितोष जायसवाल। दोस्तों याद रखिएगा, ये अलंकरण सम्मान की पहली कड़ी है। इसकी दूसरी कड़ी का प्रसारण 3 जनवरी 2023 को अन्य तथ्यों के साथ किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता मौत से ठन गई की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। मानव को जहां कल्पना और कर्म दोनों की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो वहीं सामाजिकता बनाए रखने के लिए नियमों और आदर्शों की भी जरूरत होती है। जितने जरूरी उद्यम, कृषि, व्यापार तथा सहकारिता हैं, उतने ही आवश्यक शिक्षा, साहित्य, कला, श्रम, सेवा, साहित्य तथा अन्य रचनात्मकता भी है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड मानते हैं कि पुरस्कार जहां एक ओर चेतन रूप से प्रेरणाओं में वृद्धि का कार्य करते हैं, तो वहीं अन्य लोग भी प्रोत्साहित होते हैं। पुरस्कार पहचान की स्वीकृति के साथ संबंधित क्षेत्र में किए गए कार्य का सम्मान भी है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों, समूहों तथा समाजों को पुरस्कृत करने का सिलसिला चलाया गया, जिसने उन्हें धुंध से निकालकर सार्वजनिक पटल पर ले आते हैं तथा उनकी जरूरत, महत्व, प्रयासों तथा कर्मों को रेखांकित भी करते हैं। पुरस्कार प्राप्ति के बाद उनका सद अनुसरण करने और उनके प्रसार की प्रवृत्ति बढ़ने से समाज को होने वाला फायदा किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा अधिक विस्तार लिया होता है। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम न सिर्फ जानेंगे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति तथा संस्थाओं के बारे में, बल्कि उनके कार्य, प्रथम पुरस्कारकर्ता, शुरुआती वर्ष, संबंधित विभाग तथा उन विभूतियों के बारे में भी संक्षिप्त चर्चा, जिनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। पहला, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। ग्राम मुरा रायपुर में 24 सितंबर 1909 को जन्मे पंडित लखनलाल मिश्र 1932-33 से पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त हुए। 15 दिसंबर 1945 को आर के पाटिल जी के दुर्ग आगमन के समय उनका स्वागत करते हुए उन्होंने अंग्रेजी नौकरी छोड़ दी। इस साहसिक कार्य की सराहना शेगांव वर्धा में गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों ने भी की। गृह पुलिस विभाग द्वारा 2022 में यह पुरस्कार लोरमी निवासी श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल जी को अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट विवेचना को सराहते हुए पुरस्कृत किया गया। 2021 में यह पुरस्कार श्री कुंदन लाल गौर को प्रदान किया गया था। दूसरा, यति यतनलाल सम्मान। छत्तीसगढ़ में सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति के प्रणेता यति यतनलाल जी का जन्म 1894 को बीकानेर में हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार संयोजक, शराब दुकानों की पिकेटिंग, महासमुंद जंगल सत्याग्रह के सूत्रधार, 1933 में हरिजनोद्धार में सक्रिय रहने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ में अहिंसा के प्रचार में अविस्मरणीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल जी सम्मान स्थापित किया गया है। पुरस्कार का शुभारंभ 2001 में किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता श्री रमेश याग्निक और हरिप्रसाद सिंह जी थे। 2021 में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि 2022 में श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया इस पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। तीसरा, शहीद वीर नारायण सम्मान। 1795 में सोना खान जमींदार परिवार में जन्म लेने वाले तथा 1857 के स्वतंत्रता समर के जननायक शहीद वीर नारायण सिंह 1830 में जमींदार बने। 24 अक्टूबर 1856 को संबलपुर से गिरफ्तारी, 28 अगस्त 1857 को जेल ब्रेकिंग तथा 10 दिसंबर 1857 को वीरगति प्राप्त की। अन्याय के विरुद्ध सतत संघर्ष का आह्वान, निर्भीकता, चेतना जागृति, प्रेरणा के प्रसरण जैसे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान स्थापित किया गया है। 2001 से प्रारंभ हुए इस सम्मान को आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।
2001 में आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमल, 2021 में बिलासपुर निवासी श्री जानकी प्रसाद पुलस्त तथा 2022 में यह सम्मान कोया भूमकाल क्रांति सेना के संयोजक तथा नवोदित समाज सेवी संस्थान के अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम जी को दिया गया है। चौथा, गुरु घासीदास सम्मान। छत्तीसगढ़ की संत परंपरा में ऐसे संतों का प्रादुर्भाव हुआ है जिनका जीवन तथा जीवन दर्शन युगों तक मानवता का संदेश देता रहेगा। छत्तीसगढ़ की संत परंपरा में गुरु घासीदास जी का नाम सर्वोपरि है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला रखने वाले बाबा घासीदास वे प्रकाश स्तंभ हैं जिससे करुणा, अहिंसा, सत्य तथा जीवन का ध्येय उदात्त रूप से प्रकट होता है। छत्तीसगढ़ शासन ने सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान स्थापित किया है। सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में 2001 से स्थापित यह सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। 2001 में पहला सम्मान डॉक्टर रत्नलाल जांगड़े और राजमहंत जगतू सोनकर, 2021 में दुर्ग निवासी पुराणिक चेलक तथा 2022 में श्री खेमचंद भारती जी को प्रदान किया गया है। पंथी गौरव नृत्य 2022 से सम्मानित श्री खेमचंद भारती पंथी गीतों के माध्यम से बाबा के ज्ञान, उपदेशों तथा संदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए सामाजिक चेतना का संचार कर रहे हैं तथा सांस्कृतिक डगर के माध्यम से कुरूतियों को दूर करने का सत्प्रयास भी सुनिश्चित किया है। पांचवा, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। मूलतः हिंदी साहित्यकार होने के साथ छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भत्री आदि भाषाओं में भी सृजन करने वाले लाला जगदलपुरी बस्तर के साहित्याकाश में वे सूर्य है जिनकी आभा से कई नक्षत्र दैदीप्यमान हुए हैं। दंडकारण्य के इस महामना की स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में साहित्यिक तथा आंचलिक साहित्य के लिए लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार स्थापित किया गया है। 2022 में प्रथम बार इस सम्मान को छत्तीसगढ़ तथा हिंदी भाषा में सृजन, संवेदना को स्वर तथा आंचलिक साहित्य की अस्मिता को प्रोत्साहित तथा अनवरत एवं अविराम प्रयासों के लिए श्री जीवन यदु जी को प्रदान किया गया है। छठवा, राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। स्त्री तथा पुरुष को जीवन रूपी रथ के दो पहिए बताकर नारी जाति का सम्मान तथा स्वाभिमान बढ़ाने, फिजूल खर्ची रोकने हेतु सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन, समाज सुधार, मानव कल्याण तथा बाबा घासीदास जी की सभी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाकर माता ने छत्तीसगढ़ के उत्थान में महान भूमिका निभाई है। हथकरघा के क्षेत्र में सूती वस्त्र उत्पादन की पारंपरिक कला, संस्कृति की अनुपमा को अक्षुण बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा माता की स्मृति में राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। 2012 में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय हथकरघा प्रोत्साहन योजना को नामांतरित कर सन 2020 में राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदत्त इस सम्मान को 2021 में श्री राजेश देवांगन तथा श्री टीकाराम देवांगन जी को प्रदान किया गया, जबकि 2022 में हथकरघा वस्त्र पर बुनाई तथा पुतली डिजाइन, टाई डाई साड़ी डिजाइन के उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री नरसिंह देवांगन तथा श्रीपति मेहर देवांगन को राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सातवां, महाराजा अग्रसेन सम्मान। वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल्य मान्यताओं को लागू कर राज्य में कृषि, व्यापार, उद्योग के साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले समाजवाद के अग्रदूत महादानी महाराजा अग्रसेन ने जिए और जीने दो के साथ सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया का भी संदेश दिया। मानव मात्र के उत्थान के साधक, सामाजिक समरसता के अग्रदूत महाराजा अग्रसेन के सम्मान में छत्तीसगढ़ शासन ने सामाजिक समरसता के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2004 से प्रतिवर्ष इस सम्मान को प्रदान किया जाता है। 2004 में प्रथम पुरस्कार कुष्ठ निवारण संघ चापा को प्रदान किया गया। 2021 में यह पुरस्कार बस्तर के श्री के एम नायडू जी को प्रदान किया गया, जबकि 2022 में विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर निःशुल्क राशन, चिकित्सा,
भोजन आदि के माध्यम से जरूरतमंदों की मानवीय सहायता के लिए श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल जी को महाराजा अग्रसेन सम्मान से पुरस्कृत किया गया। आठवां, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि पूरा जीवन समाज तथा कृषक कल्याण एवं विभिन्न रचनात्मक कार्यों में लगाया था श्री खूबचंद बघेल जी। 1925 में नागपुर से LMP की परीक्षा पास करने के पश्चात असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर बने। असहयोग आंदोलन के बाद 1930 के नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी तथा किसान आंदोलनों के प्रणेता, जन चेतना जागृति के अग्रदूत तथा छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी के प्रबल पक्षधर श्री खूबचंद बघेल जी की स्मृति में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान स्थापित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा यह सम्मान 2001 से दिया जा रहा है। 2001 में प्रथम बार श्रीकांत गोवर्धन, 2021 में रायगढ़ जिले के मुकेश चौधरी जी को प्रदान किया गया। 2022 में समन्वित खेती एवं कीट प्रबंधन, जैविक खेती, कृषि उत्पादों का स्थानीय प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तथा कृषि उपकरणों के देशीयकरण के लिए श्री खेदू रामजी बंजारे को यह सम्मान प्रदान किया गया है। नौवां, गुंडाधुर सम्मान। छापामार युद्ध के जानकार, देशभक्त आदिवासी, बस्तर के मुक्तिदाता, आदिवासियों के पारंपरिक हितों के संरक्षक वीर गुंडाधुर धुरवा जनजाति के उत्साही तथा वीर जन उन्नायक है। 1910 के आदिवासी विद्रोह के प्रमुख सूत्रधार की वीरता का वर्णन आज भी जनश्रुतियों और गीतों में मिलता है। गुंडाधुर का त्याग तथा बलिदान स्मरणीय तथा प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ शासन ने वीर गुंडाधुर की स्मृति में साहसिक कार्य तथा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए वीर गुंडाधुर सम्मान स्थापित किया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त इस सम्मान को 2001 से दिया जा रहा है। 2001 में यह सम्मान वॉलीबॉल खिलाड़ी आशीष अरोड़ा जी को प्रदान किया गया था। 2021 के लिए बिलासपुर की बैडमिंटन खिलाड़ी रोहिणी साहू को यह सम्मान प्रदान किया गया। 6 से 15 नवंबर 2021 इकाबे कोलंबिया में स्केटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अमितेश मिश्र को 2022 का वीर गुंडाधुर सम्मान प्रदान किया गया है। 10वां, मिनी माता सम्मान। छत्तीसगढ़ से गरीबी, अशिक्षा तथा पिछड़ापन दूर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली मीनाक्षी देवी कालांतर में मिनी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मजदूर हितों, नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता, बाल विवाह तथा दहेज के विरुद्ध जन जागरूकता, हसदेव बांगो बांध से कृषि तथा सिंचाई की बढ़ोतरी, भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण की जरूरतों को पहचानने वाली मिनी माता 1952 से 1972 तक लोकसभा में सारंगढ़, महासमुंद तथा जांजगीर की प्रतिनिधि रही। सद्भावना और ममता की मूर्ति, कुशल गृहिणी, सजग सांसद, कर्मठ समाज सेविका मिनी माता की स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन ने महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनी माता सम्मान स्थापित किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त यह सम्मान 2001 में श्रीमती बिन्नीबाई को दिया गया। 2021 दुर्ग की कल्पना देशमुख जी को यह सम्मान प्रदान किया गया था, जबकि 2022 में अंबिकापुर निवासी श्रीमती मीरा शुक्ला को महिला उत्थान तथा जन जागरूकता एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए मिनी माता सम्मान प्रदान किया गया है। 11वां, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे। 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना, 1920 मील आंदोलन, राजनांदगांव के अगुआ ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी के लिए पिकेटिंग, दलित उत्थान जैसी गतिविधियों में भी अग्रणी थे। 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को संगठित करने के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संस्थान की स्थापना की। विनोबा भावे से प्रेरित ठाकुर साहब ने भूदान तथा सर्वोदय आंदोलन को छत्तीसगढ़ में विस्तारित किया। छत्तीसगढ़ शासन ने इनकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ठाकुर प्यारेलाल स्मृति सम्मान स्थापित किया है। सहकारिता विभाग द्वारा 2001 में यह सम्मान प्रीतपाल बेलचंदन तथा ब्रजभूषण देवांगन को, 2021 में
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा 2022 में किसानों में बजट की स्वहित विचारधारा का पालन कराने तथा उनमें आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री अशोक अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया है। 12वां हाजी हसन अली सम्मान। जीवन पर्यंत उर्दू की निस्वार्थ सेवा करने और शायरों कवियों की हौसला अफजाई करने वाले हाजी साहब का विचार था कि उर्दू मुस्लिमों की जबान नहीं देशवासियों की भाषा है। छत्तीसगढ़ में उर्दू संस्कार को प्रोत्साहित करने, अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा गौरवशाली परंपरा को कायम रखने वाले हाजी साहब का योगदान अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ शासन ने हाजी हसन अली की स्मृति में उर्दू भाषा की सेवा के लिए हाजी हसन अली सम्मान स्थापित किया है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता सन 2004 में सैमुअल डेनियल थे। 2021 में दुर्ग निवासी जनाब रोशन जमाल तथा 2022 में रायपुर निवासी तथा अताबू रब के लेखक जनाब यूनिस खान को प्रदान किया गया। 13वां चक्रधर सम्मान। राजसी ऐश्वर्य, भोग विलास, झूठी प्रतिष्ठा की लालसा से दूर साहित्य, संगीत और नृत्य की आराधना करने वाले संगीत सम्राट नान्हे महाराज के नाम से विख्यात चक्रधर सिंह न केवल उत्कृष्ट तबला वादक थे बल्कि महान कला पारखी तथा संगीत प्रेमी भी थे। राजा चक्रधर सिंह 1936 और 1939 में इलाहाबाद में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के सभापति भी थे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायगढ़ नरेश के नृत्य तथा संगीत के प्रति उनकी दूरदर्शी सोच, निष्ठा तथा अध्ययन को सम्मान प्रदान करते हुए कला एवं संगीत के क्षेत्र में चक्रधर सम्मान स्थापित किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा इस सम्मान की स्थापना 2001 में की गई थी। 2001 में किशोरी अमोनकर तथा 2021 में प्रभंजय चतुर्वेदी तथा सुनील तिवारी को इस सम्मान से नवाजा गया था। 2022 के लिए छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति को आगे लाने, प्रदेश की लोक संस्कृति का मंचन प्रदर्शन तथा निर्देशन में अहम भूमिका निभाने वाले भिलाई निवासी कला गुरु श्री वेदमणि सिंह ठाकुर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 14वां दाऊ मंदराजिंग सम्मान। 1927-28 में नाचा पार्टी बनाकर लोक कलाकारों को इकट्ठा करने वाले दाऊ मंदरा जी ने गम्मत के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। गम्मत के अभिनव प्रयोगों के द्वारा छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता, देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को लोगों को उजागर किया। नाचा के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण बनाए रखने वाले दाऊ दुलार सिंह ने सार अर्थों में छत्तीसगढ़ी नाचा को नया आयाम दिया है। प्रदर्शनकारी लोकविधा नाचा को जीवंत रखने, जन सामान्य में उसकी पुनर्प्रतिष्ठा और लोक कलाकारों को प्रश्रय देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उनकी स्मृति में लोक कला शिल्प के लिए दाऊ मंदरा जी सम्मान स्थापित किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित यह सम्मान 2001 में श्री झाड़ूराम देवांगन जी को प्रदान किया गया, जबकि 2021 में बिलासपुर निवासी श्री काशीराम साहू और मुंगेली के रेखा दीवार को सम्मानित किया गया। 2022 में नाट्य गम्मत अभिनय तथा पारंपरिक लोक कथाओं पर केंद्रित गीत संगीत के क्षेत्र के लिए राजनांदगांव निवासी श्रीमती जयंती यादव तथा छत्तीसगढ़ शैला नृत्य एवं शिल्पकार सरगुजा निवासी श्री पंडित राम जी को प्रदान किया गया है। 15वां पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, मद्य निषेध, आदिवासी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़कर स्वतंत्रता की यज्ञ वेदी पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, कुरूतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास भी किए। रायपुर में गांधी जी द्वारा अछूतों उद्धार के लिए इन्हें अपना गुरु भी स्वीकार किया गया है। जीवन पर्यंत सादा जीवन, उच्च विचारों के आदर्शों का पालन करने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य, आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान स्थापित किया गया है। संस्कृति विभाग द्वारा इस सम्मान की स्थापना 2001 में की गई थी। 2001 में श्री विनोद कुमार शुक्ल तथा 2021 में
बिलासपुर निवासी श्री नंद किशोर तिवारी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जबकि 2022 के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्य सृजन करने वाले तथा आंचलिक अस्मिता को प्रोत्साहित कर जन सामान्य की संवेदना को स्वर देने वाले रायगढ़ निवासी श्री रामेश्वर वैष्णव को यह सम्मान प्रदान किया गया है। 16वां दानवीर भामाशाह सम्मान। अब परिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने वाले दानवीर भामाशाह महाराणा प्रताप के विश्वास पात्र सलाहकार थे। इनका निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा के जीवन में निर्णायक तथा महत्वपूर्ण साबित हुआ। अद्वितीय दानवीर तथा त्यागी भामाशाह ने लोकहित तथा आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया। उदारता की इस गौरव गाथा को चिर स्थायी स्मृत रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने दानशीलता, सौहार्द्र तथा अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 2006 में बिलासपुर सेवा भारती, 2021 में भवानी साव, रामलाल साव, धर्मदा ट्रस्ट मुंगेली को इस सम्मान से सम्मानित किया है। जबकि 2022 में रायपुर स्थित ताईकोरा की श्रीमती गंगोत्री वर्मा तथा भारत वर्मा को दानशीलता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने के लिए 2022 में दानवीर भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया है। 17वां देवदास बंजारे स्मृति तथा स्मृति पंथी पुरस्कार। प्रदर्शनकारी लोक कला एवं पंथी नृत्य के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा गीतों के माध्यम से दलितों, पीड़ितों, शोषित जातियों का आत्मसम्मान जागृत करना एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से जन जागरण का कार्य करने वाले देवदास बंजारे जी ने पंथी नृत्य को पुनर्जीवित कर नया आयाम दिया है। यह एक उल्लेखनीय कीर्तिमान है कि श्री देवदास बंजारे जी छत्तीसगढ़ के पहले मंचीय कलाकार हैं जिन्हें विदेशी मंचों पर प्रदर्शन का भरपूर मौका मिला है। जन चेतना जगाने और ग्रामीणों में उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने के प्रेरक कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने लोक शैली पर आधारित प्रदर्शनकारी लोक कला एवं पंथी नृत्य के क्षेत्र में प्रतिभागियों तथा संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति तथा स्मृति पंथी पुरस्कार स्थापित किया है। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित इस सम्मान की घोषणा 18 दिसंबर 2020 को की गई थी। 2021 के लिए प्रथम बार इस देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार हृदय प्रकाश अनंत तथा अमोल दास टंडन एवं देवदास स्मृति पंथी पुरस्कार दुर्ग निवासी गोकर्ण दास बघेल जी को प्रदान किया गया। जबकि 2022 के लिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ लोक संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए श्री द्वारिका बर्मन तथा लोक शैली पंथी नृत्य के लिए श्री देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार श्री मिलाप दास बंजारे जी को प्रदान किया गया है। 18वां किशोर साहू सम्मान तथा राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जीवन प्रभात से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने वाले किशोर साहू बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। श्री साहू हिंदी सिनेमा के में नायक, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। कहानीकार, उपन्यासकार तथा चित्रकारिता में भी वे सिद्धहस्त थे। 22 फिल्मों में अभिनेता तथा 20 से अधिक फिल्मों के निर्देशक श्री किशोर साहू की मौलिकता और समर्पण की छवि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रतीक है। इनके प्रेरक कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने इनकी स्मृति में हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन और सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा तथा निर्माण के क्षेत्र में किशोर साहू सम्मान तथा राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान भी स्थापित किया है। संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित इस सम्मान के लिए 2021 में किशोर साहू सम्मान मनमोहन सिंह ठाकुर तथा किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण अपूर्व बड़गैया को प्रदान किया गया। जबकि 2022 में श्री मनु नायक को किशोर साहू सम्मान तथा श्री पलाश वासवानी को किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। 19वां चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। प्रारंभ से ही किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए समाज तथा देश को महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले श्री चंदूलाल चंद्राकर एक निर्भीक पत्रकार थे।
पत्रकारिता के साथ सांसद रहते हुए भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। केंद्रीय पर्यटन तथा नागरिक विमानन राज्य मंत्री तथा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास पर आधारित रचनात्मक लेखन और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी तथा छत्तीसगढ़ी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए इस सम्मान की स्थापना की गई है। जनसंपर्क विभाग द्वारा इस सम्मान की स्थापना 2001 में की गई। 2001 में आरती धर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जबकि 2021 में प्रिंट मीडिया हिंदी के लिए अंबु शर्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अंशुमान शर्मा को सम्मानित किया गया, जबकि 2022 के लिए जमीनी पत्रकारिता तथा आम लोगों के लिए संघर्षरत पत्रकार श्री धनंजय वर्मा को प्रिंट मीडिया तथा श्री अमितेश पांडे और वैभव शिव पांडे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के लिए चंदूलाल चंद्राकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। 20वां पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। स्वतंत्रता संग्राम में जिन महापुरुषों का नाम सर्वाधिक श्रद्धा और आदर से लिया जाता है उनमें से एक है पंडित रविशंकर शुक्ल। देश सेवा के ध्येय से सक्रिय राजनीति में आने वाले तिलक के विचारों से प्रभावित पंडित शुक्ल ने छत्तीसगढ़ राजनैतिक एवं सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए 1935 में महाकोशल साप्ताहिक का प्रकाशन प्रारंभ किया। आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माता पंडित शुक्ल छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति के समर्थक भी थे। छत्तीसगढ़ की उन्नति तथा सद्भाव बनाए रखने के लिए इनके प्रयास चिरकाल तक स्मृत रखे जाएंगे। कर्मठ राजनेता, महान शिक्षाविद, दूरदर्शी व्यक्तित्व की स्मृति में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान स्थापित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त यह सम्मान 2001 में प्रथम बार प्रीतपाल बेलचंदन तथा ब्रजभूषण देवांगन जी को प्रदान किया गया था, जबकि 2021 में रायपुर जिले की श्रीमती विद्या राजपूत को तथा 2022 में श्री सीताराम अग्रवाल जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 21वां मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता सम्मान। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ तथा सम्मानित पत्रकार श्री मधुकर खेर ने अपने समाचारों और आलेखों के जरिए देश विदेश में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई है। राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब का नाम इन्हीं के नाम से ही रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र नभ के संपादक श्री मधुकर खेर की स्मृति में राज्य की संस्कृति, समृद्धि तथा विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई है। जनसंपर्क विभाग द्वारा 2006 में स्थापित यह सम्मान 2021 में टिकेश्वर पटेल तथा 2022 के लिए डॉक्टर के एम किशोर जी को प्रदान किया गया है। 22वां पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की बुनियाद रखने वाले हिंदी भाषा के वरिष्ठतम पत्रकार तथा हिंदी भाषा की आजीवन सेवा करने वाले पंडित माधवराव सप्रे जैसे महान तपस्वी और यशस्वी साहित्यकार तथा पत्रकार की कर्मभूमि से छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर सप्रे जी की लेखनी ने राष्ट्रीयता से परिपूर्ण विचारों से नवीन क्रांति को जन्म दिया। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान को यादगार बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान की स्थापना की गई है। जनसंपर्क विभाग द्वारा स्थापित इस सम्मान को 2013 में स्थापित किया गया था, जिसके पहले सम्मान प्राप्तकर्ता वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय दत्त श्रीधर जी हैं। 2021 में मृणाल पांडे तथा 2022 में श्री सुदीप ठाकुर जी को मीडिया के क्षेत्र में अपने विशिष्ट लेखन तथा हिंदी भाषा के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। 25वां छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। छत्तीसगढ़ वासियों में अपनी माटी के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा है। महापुरुषों की जन्मभूमि गर्भभूमि के साथ इस भूमि में विभूतियों की प्रेरणा का संस्कार परिलक्षित होता है। छत्तीसगढ़ वासी अप्रवासी भारतीयों ने अपने कार्य कौशल परिश्रम के साथ देश के बाहर
समाज कल्याण, मानव संसाधन, विकास, कला, साहित्य आदि के क्षेत्रों में भी स्वयं को स्थापित कर उल्लेखनीय कार्य किया है। छत्तीसगढ़ राज्य को देश के बाहर प्रतिष्ठा मंडित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान स्थापित किया है। संस्कृति विभाग द्वारा 2005 में पहली बार श्री चंद्रकांत पटेल को इस सम्मान से सम्मानित किया, जबकि 2022 में श्री गणेश करजी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। गणेश करजी ने 2017 में उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा की स्थापना की। नाचा को छत्तीसगढ़ एनआरआई समुदाय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच और तेजी से बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बना दिया। अब छत्तीसगढ़ भी वैश्विक जगत में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस ऑडियो आर्टिकल में लगभग 23 ऐसे संस्थानों, पुरस्कारों तथा व्यक्तियों का परिचय प्राप्त किया है जो आपकी परीक्षागत दृष्टि से अनिवार्य है। इस ऑडियो आर्टिकल का अगला भाग आपको 3 जनवरी 2023 को मिलेगा। प्रस्तुत ऑडियो आर्टिकल में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।